वी आर स्टडिंग क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। वो इन लास्ट वीडियो वी कंप्लीटेड टिल हियर, टिल क्वेश्चन नंबर, टिल फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डू सेकेंड पार्ट। अब हम ये करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का। तो यहाँ पे जो सारे आए थे, मैं ऐड करना बता देती हूँ एक बार। जैसे 1.95 था, यहाँ पे क्या था 1.625, यहाँ पे था 1.875। देखो ये जो सारे डेसिमल है, ये एक ही लाइन में होने चाहिए। सारे के सारे जो डेसिमल्स हैं वो एक सिंगल लाइन में होने चाहिए, ठीक है? हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मल्टीप्लाई करने में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम ध्यान में रखना है कि जो सारे डेसिमल्स हैं वो एक ही लाइन में मैम, हो। अगर कोई कोई डेसिमल वाला नंबर अगर बिना डेसिमल वाले नंबर से होगा तब भी ऐसे हो जाएगा ना। जैसे 1.2 है तो ये 2 से अगर उसको होगा प्लस होगा तो ये 2 ऐसे आ जाएगा और हाँ, डेसिमल लेके 0 आ जाएगा। जीरो, यस यस, टू आगे आएगा, पीछे यहाँ नहीं लिखना है। टू को, टू के पीछे आप डेसिमल से लगा, ये सही है, ऐसे करते हैं, ठीक है? टू आगे आएगा हमेशा, पूरब कर दो। जिसके डेसिमल हाँ, नहीं होता तो उसके पीछे आ जाता है डेसिमल। पीछे आता है डेसिमल, आगे कभी भी नहीं लगाना है। सपोज मैं आगे लगा दूं डेसिमल, ये लो मैं आगे लगा, टू को ऐड करना है ना इसमें, प्लस टू। अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे मैं ये लगा दिया, ये लो डेसिमल, तो ये तो वैल्यू चेंज कर दी हमने, ये तो 0.2 हो गया ना, ये तो वैल्यू ही चेंज हो गई। टू यस पॉइंट मैम, जीरो में ये अभी भी टू ही है, इसलिए हम ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये ऐड करना है, डेसिमल सारे एक ही लाइन में होने चाहिए, ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। मल्टीप्लाई में कोई जरूरी नहीं है। 625 लिखा, यहाँ पे क्या है 1.875, ये एक बता देती हूँ बस। यहाँ पे जीरो लिख दो, तो कुछ भी नहीं है, तो 5501 कैरी, 7 8 9 10, 15 का 5 1 कैरी, 10 18 19 20, 24 कैरी, 2 3 4 5, 5.45 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया था। 5.45 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया था लास्ट वाले वीडियो में, फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे स्टार्ट। सेकेंड पार्ट बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है सेकेंड पार्ट के अंदर। क्या बोला है इन्होंने, देखो, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, 1 मीटर स्क्वायर शीट जो है ना, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? जैसे ये शीट है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, एक स्क्वायर शीट है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 into 1, 1 ही आएगा ना, 1 मीटर स्क्वायर, इसको कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर शीट का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो है ₹20, ₹20। तो हमारी शीट कितनी है, 5.45 मीटर स्क्वायर की प्राइस क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो बस 20 से, कि हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लिखे है ना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू ₹20, कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल टू 5.45 into 20, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, डेसिमल है ही नहीं, 109 कितना आएगा 109। वन बहुत, हंड्रेड नाइन ये मुझे बता दिया तुम, सारे जितने भी डेसिमल एडिशन आते हैं ना, तुम फटाफट बता, ठीक है 109 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2, तो और अब ये रीड कर दो ना बेटा प्लीज, क्वेश्चन रीड कर दो एक बार, थर्ड वाला नहीं वो सेकंड सेकंड वाला वाला। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ
लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। हाँ तो देखो क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम, एक रूम है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग दे रखे हैं, मतलब क्यूबॉइडल शेप का रूम है, क्यूबॉइड शेप का रूम है, क्यूब में तो एक सब सबकी सब इक्वल होती है, अलग अलग दे रखी है मतलब क्यूबॉइड, इस शेप का एक रूम है, उसकी लेंथ ये है, इन्होंने दे रखा है लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है, ठीक है, सबके सब मीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कुछ नहीं करना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, देखो चारों तरफ व्हाइट वॉश करवानी है, घर के अंदर व्हाइट वॉश करवानी है, चारों तरफ दीवारों पे अंदर करवानी है, और सीलिंग, सीलिंग मतलब ऊपर जहाँ अपना फैन लगा रहता है, ऊपर हाँ उसको सीलिंग बोलते हैं, टॉप देखो पे ऊपर वाले को तो रूफ बोलते हैं, रूफ मतलब छत, यहाँ ऊपर भी ये तो रूफ, और इसके फिर नीचे है ना अंदर जहाँ फैन लगा रहता है उसको हम बोलते हैं सीलिंग, उस वाले स्पेस को सीलिंग बोलते हैं, अंदर की तरफ से सीलिंग और ऊपर हम चले जाते हैं तो उसको हम रूफ बोल देते हैं, तो सीलिंग ये होता है ना, तो इन चारों वॉल्स पे और सीलिंग पे जहाँ पे फैन लगा रहता है वहां, तो पांचों फेसेस पे व्हाइट वॉश करवाना है, और व्हाइट वॉश वाला कह रहा है कि मैं 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए लूंगा, 7.50 रुपीज लूंगा, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करूंगा व्हाइट वॉश करूंगा तो मैं लूंगा 7.50 रुपीज, तो टोटल कितने रुपीज हमें लगेंगे, कॉस्ट पूछे ना, फाइंड द कॉस्ट, हमें उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे टोटल व्हाइट वॉश करवाने के, सबसे पहले पहले हाँ फाइव सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। हाँ बहुत अच्छे, 5 फेसेस का एरिया फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो बेस का हटा देंगे, नीचे तो उसको पूरा, इनटू कर देंगे। हाँ उसको इससे इंटू कर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही है, कर लेते हैं इसको, करके बता दूँ, फटाफट यस कर मैम। देना, मल्टीप्लिकेशन तो तुम बता देना, जो भी मल्टीप्लाई आया ना फटाफट वैल्यूज बताते जाना, ये वैल्यू एक बार, थर्ड वाले कर लेते हैं, ये वाले तो इजी है। चलो ठीक है थर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम है ऊपर वाले के जैसे ही, इसमें 5 फेसेस का एरिया निकालना है, एल बी छोड़ देना है बस, एक बार एक्सप्लेन कर दूँ बस, इसमें क्या फॉर्मूला लेना है, एल बी एक लेना है क्योंकि ऊपर वाला ले लिया, नीचे वाला एल बी छोड़ना है, 2 PH+2 HL, ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करके सरफेस एरिया निकालना है, जो भी आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर थर्ड, एक मिनट ये रब कर दो, थर्ड क्या कहते हैं, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 250 मीटर, हमेशा सबसे पहले डायग्राम बना लेना है किसी भी चीज का, फिर वो बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, जैसे अपना असेंबली हॉल नहीं होता है, मतलब कुछ स्कूल्स में अंदर होती है ना असेंबली, तो असेंबली हॉल भी इस तरह का होता है बहुत बड़ा, तो ये रेक्टेंगुलर हॉल है, तो इसका जो फ्लोर हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर, पेरीमीटर मतलब होता है फ्लोर मतलब ये फर्श, इसका पेरीमीटर मतलब ये चारों साइड का सम 250 है, चारों साइड्स को अगर मैं प्लस करूं तो कितना है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, इसका पेरीमीटर कितना है 250, चलो बाहर लिखते हैं, पेरीमीटर कितना है 250 मीटर, इसका फ्लोर का मतलब अगर मैं इन चारों साइड्स को प्लस करूं तो 250 मीटर आ जाएगा, ठीक है अब आगे क्या दे रखते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज इतना, अब हमें इस बार कॉस्ट दे दी इन्होंने कि 1 मीटर जो पेंट करने वाला है वो ये 1 मीटर स्क्वायर के कह रहा है कि मैं 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करूंगा ना तो मैं 10 रुपए लूंगा, 10 रुपीज में लूंगा, और टोटल उसका जो बिल बना है वो कितना बना है, वो टोटल कह रहा है मैं 15,000 रुपीज लूंगा टोटल, इस हिसाब से 15,000 रुपीज मेरे बनते हैं टोटल, अब ये आप निकाल लो कितना है, ये मुझे नहीं पता, मैंने हिसाब लगा के ये आप लोग निकाल लो कि कितना मीटर स्क्वायर है ये आपका, ये मतलब मैंने तो निकाल के बता दिया, फिर एक बार आपके लिए
ये हमें निकालना है, हमें कितने मीटर स्क्वायर में पेंट करवाना है। फोर वॉल्स का करना है, सिर्फ फोर वॉल्स का। और फ्लोर का इन्होंने क्या दे रखा है, हमें पेरीमीटर दे रखा है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कर लेते हैं नोट पैड। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है एक तो, और एक यहाँ पे हमसे इन्होंने हाइट पूछी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगी जो हमें दे रखा है, मैं सबसे पहले वही लिखती हूँ, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर मैं लिख सकती हूँ ना, 2L+2B, और 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे समझा देती हूँ, 2L+2B ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो 2 ब्रैकेट L+B, ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया फ्लोर का। ये कितना दे रखा है मुझे, ये मुझे दे रखा है, ये किसके इक्वल है, 250 के इक्वल है, 250 मीटर्स। ठीक है, तो लिखा है। सबसे पहले जो गिवन है ना उसको लिख लो, सबसे पहले मुझे ये गिवन है ना, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब क्या बोला है इन्होंने कि फोर वॉल्स पे पेंट करूंगा, सिर्फ 4 दीवारों की पेंट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स। 4 वॉल्स का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो बी छोड़ना है हमें, क्या लेना है, बी एच, एक तो बी एच ले लो, 2 BH आएगा एक तो, प्लस टू क्या आ जाएगा, मतलब एक तो ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, ये वाला फेस का कितना होगा, L×H, मतलब 2 LH। ठीक है, ये वाला फेस हो गया ना L×H, तो ये और ये, इन दोनों का तो चारों फेसेस का ये हो, तो मैं अगर कॉमन ले लूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ, देखो 2H कॉमन ले लो दोनों में से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं B+L के अंदर ये लिख सकती हूँ। तो सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चारों वॉल्स का सरफेस एरिया आ गया मेरा यहाँ पे, तो मैं अगर थोड़ा सा ठीक से लिखूँ मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये देखो ये इसके इक्वल है ना, की जगह मैं 250 लिख सकती हूँ, इस पूरे की जगह हम 250H ये लिख सकते हैं, पूरे की जगह। हाइट हमसे इन्होंने पूछी है कि हाइट कितनी है, हाइट ठीक है। अब देखो अब इन्होंने क्या बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर मैं कॉस्ट कर वो पेंट करूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹10, ₹10। 1 मीटर स्क्वायर पे अगर मैं पेंट करता हूँ तो मैं ₹10 ये बोलता। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमारी टोटल 4 वॉल्स का जो सरफेस एरिया वो क्या है, ये है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस इतना जो आएगा ना, ये यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250H m² वैसे तो देखो डिवाइड करना है दोनों को, लेकिन ये थोड़ा सिंपल है, मैं इसलिए ये तरीका बता रही हूँ। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250H m² इज इक्वल टू, ये थोड़ा इजी है। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹10 ले रहा है, तो इतने के 4 वॉल का एरिया ये आ गया ना, इस पे यही तो है टोटल ये सरफेस एरिया आ गया, इस पे पेंट करनी है। 1 मीटर स्क्वायर का ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए ले रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लेगा, 250H×10, सिंपल तो मल्टीप्लाई 2500 आ जाएगा, 2 0 ना, 2500H ये आ गया। लेकिन इन्होंने हमें दे रखा है
इन्होंने क्या दे रखा है कि कितने रुपए लूंगा, 15,000, मतलब ये 15,000 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स इज इक्वल टू ₹1,500, 15,000 ये हमें गिवेन है ना। चार वॉल्स का अगर मैं पेंट करती हूँ तो उसके 15,000 रुपए लूंगी, और मैंने निकाल भी लिए वो इतनी है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो दोनों के दोनों को मैं लिखूंगी यहाँ पे इक्वल, यहाँ लिख देना फ्रॉम अबव, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 15,000 इज इक्वल टू रुपीज 15,000 इज इक्वल टू ₹2,500। एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में ना, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 15,000 के यहाँ नीचे आ गया ये 2,500, ये हाइट यहाँ से 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 5s are 30, तो जो हाइट है हमारी वो कितनी आ गई यहाँ पे, 6 मीटर आ गई। देखो ये थोड़ा सिंपल पड़ रहा है, बहुत इजी सा लग रहा है ये। वैसे तो आप इस क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे हाइट निकालने के लिए। ये बहुत ही सिंपल लग रहा है कि चार वॉल्स का सरफेस एरिया इस तरीके से निकाल लेंगे, और फिर 1 मीटर स्क्वायर का ये, तो इतने मीटर स्क्वायर के इतने रुपए लग जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से एच की वैल्यू ये आ जाएगी। समझ में आ गया? कुछ भी डाउट हो ना सौरभ पूछ लेना, जितनी बार में पूछ लेना। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट यस सर। पे चलते। जो भी मैंने पढ़ा है उसमें से कुछ भी समझ नहीं आता है कभी भी, कुछ कोई दिक्कत। कल पूछो, परसों पूछो, 10 दिन बाद पूछो, जब भी तुम्हें मन है तब पूछ लो, कि वो क्वेश्चन में वो चीज समझ नहीं आती। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। अब क्या दे रखा है उन्होंने, एक कंटेनर है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक कंटेनर है यहाँ पे। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू इतना मीटर स्क्वायर, मतलब इस कंटेनर के अंदर जो पेंट रखी हुई है ना वो कितने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर देगी, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया पेंट कर देगी। कोई भी चीज पूछनी हो कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कुछ समझ सब बता दूंगी, सब पूछ लेना, छोटी से छोटी चीज, कोई भी दिक्कत नहीं। एरिया ये होता है, इसको बोलते हैं एरिया, ये पूरा एरिया होता है, किस सराउंडेड बाय, तो ये जो हो गया ना, ये अपना पूरा एरिया हो जाता है। देखो तो इसने क्या बोला है कि इस पेंट के डब्बे में पेंट है, तो वो इतने एरिया में पेंट कर सकते हैं, इस पेंट की पूरी पेंट खत्म हो जाएगी और इतना एरिया पेंट हो जाएगा, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ये अब ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट दे रखी है इन्होंने, ब्रिक दे रखी है, ये ब्रिक दे रखी है, और इस ब्रिक का, ब्रिक के डायमेंशन दे रखे हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये ब्रिक है, इस ब्रिक की लेंथ ये दे रखी है, ब्रेथ ये दे रखी है, और हाइट ये दे रखी शुरू वाली लेंथ मान लिया करो इसको, ब्रेथ मान लिया करो इसको, हाइट मान लिया करो, सिंपल सा अगर ऐसे दे दे तो। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस 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 कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दीज कंटेनर, तो कितनी ब्रिक्स मैं पेंट कर दूंगी इस कंटेनर से, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक इसका एरिया निकाल लो और इस डिवाइड कर दिया बस, इसका सरफेस एरिया निकाल लो ए वन ब्रिक का, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितनी ब्रिक्स इससे हो जाएंगे, क्योंकि टोटल इतना एरिया पेंट हो पाएगा, और एक ब्रिक का जो भी एरिया है वो निकाल लो, डिवाइड करो, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। तो इसको चलो करके बता देते हैं, कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन स्किप करना हो तो बता दिया करो कि ये वाला स्किप कर दो, नेक्स्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे ना वैसे कर लेंगे, ये वाला कर लेते ये वाला कर लेते हैं, हाँ कर लेंगे। हैं।
करेंगे आइस नंबर फोर्थ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रिक का क्या, अच्छा इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट लिखना, लेंथ ब्रेथ और हाइट। सबसे पहले हम ब्रिक का सरफेस एरिया निकालेंगे, पर मैं इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट लिख लू यहाँ से। लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, 22.5 सबके सब सेंटीमीटर में। सिर्फ ये 1 मीटर में है, बाकी सबके सब सेंटीमीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ हमें क्या दे रखी है, 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखे 10 मीटर, हाइट दे रखे 7.5। सिंपल सा है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, मैं यहाँ लिखूंगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू 2 LB, क्यूबॉइडल शेप है तो 2 LB + BH + H। वैल्यूज पुट अच्छा कर, LB वैल्यूज ये मल्टीप्लाई मुझे बताते जाना सौरभ फटाफट में। 10 + 10 × 7.5 + 7.5 × 22.5, ये दोनों का बताओ। इसका तो सिंपल है, देखो डेसिमल तो हटा, 2250 सिंपल है, तो 2250 225 एक क्या डेसिमल, तो 225 सही है। ये भी सिंपल सा है, इसका भी 75 आ जाएगा। ये बता दो तगड़ वाला, 168.75 168.75 डेसिमल 75 के बाद एक एक डिजिट बोलते हैं हमेशा। अब इनका ऐड करके बता दो तो फटाफट। 75 को यहाँ पे लिखना है और 225 को भी यहीं पे लिखना है, यहाँ पे 0 0 रख। मैं वो कर लेता हूँ, इसको प्लस कर लेता हूँ। करो फटाफट, फोर हंड्रेड सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फाइव 468.75, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको फटाफट। नाइन हंड्रेड थर्टी सेवन पॉइंट फाइव 937.5 ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ये आ गया हमारा ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया आ गया ये, और इसने बोला कि इस कंटेनर में से इतना एरिया पेंट हो सकता है। तो अगर मैं इसको और ब्रिक के एरिया को डिवाइड कर दूं ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे मेरी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, कैन बी पेंटेड बाय द गिवन कंटेनर या फ्रॉम द गिवन कंटेनर। ठीक इज इक्वल टू, इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड, सिंपल सा 9.375। सबसे पहले तो इसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले चेंज करेंगे, सिंपल सा है चेंज करना भी। देखो देखो, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मतलब, मैं पेंसिल अपने इंक छोड़ने लगती हूँ। 100 को 100 कर देंगे। हाँ 100 × 100 होते हैं, 1 मीटर × 1 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा इस मीटर में ये वाला सेंटीमीटर और इस वाले मीटर में ये वाला सेंटीमीटर। तो मतलब 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको किससे इंटू करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9.375 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 9.375 × 10,000। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 के बाद डेसिमल लगेगा, 1, 2, मतलब 1 0 रहेगा, 9375 0, ये आ जाएगा। यहाँ पे सो कर लो डिवाइड, 9375 0 अपॉन में ये वाला लिख दो 9375, ये डेसिमल है तो डेसिमल घटेगा तो ऊपर 1 0 जाएगा, क्योंकि इस डेसिमल के बाद है एक डिजिट है तो ऊपर की तरफ 1 0 भी, तो बस ये और ये पूरा पूरा कैंसिल, 100 बच गया। तो 100 ब्रिक्स हम इस पेंट के कंटेनर से हम 100 ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं सिंपल से। टोटल 100 ब्रिक्स यहाँ पे हमारी हो जाएंगी। नंबर 5 क्या है, थोड़ा बड़ा है तो उसको 2 पार्ट है ना, फिफ्थ अपन कल ही करेंगे, आज वैसे अपन यहाँ तक ही करेंगे। यहाँ तक में कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो, या फिर बाद में भी कभी पूछना हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो। मैम आज बस यहीं तक करेंगे, कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कल करेंगे। हे गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।